चर्च के पादरी ने प्रभु के संदेश के साथ प्रार्थना कराई। सभी ने गले मिलकर शुभकामनाएं दी। शहर के सभी चर्च में मैरी क्रिसमस के स्वर झूम उठे। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। चर्च के पादरी ने प्रभु यीशु के संदेश के साथ प्रार्थना की। केक काटने के बाद ईसाई समाज के लोगों ने फिर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट विकास दिवाकर। चौतीसवां पद प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 34 पद में कलाम में लिखा है। आपके ध्यान में आपके बिजनेस में आपकी सब चीजों में आपको बदला देता है क्योंकि आपका दिल जब आता है वो प्रार्थना कर सकता है, जो कोई आता है वो कैंडल जला सकता है, जो कोई आता है अपने दिल की बात यीशु मसीह से कह सकता है। हर एक शख्स से, हर एक जाति से, हर एक मजहब से, हर एक मानने वाले से, हर एक आस्तिकवाद से, हर एक नास्तिकवाद से, आस्तिकवाद के छह धर्म से नास्तिक जगत का उद्धार करता है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज इस वक्त में आपने हमारे लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र को दिया। सब लोगों से प्रेम करने वाले धन्य पाए और आपका अनुग्रह हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे शहर के हर एक निवासी पर सदा बना रहने पाए। प्रभु सारा आदर महिमा इज्जत और जलाल आपको देते हुए ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। अनंत जीवन पाए और आज हम और आप आज समय के लिए अपने शहर के मजहब के हर एक इंसान के लिए हर एक जाति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम हर सप्ताह प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे शहर में शांति और अमन बना रहने पाए। हमारे लोग हैं जो कि मैं सोचता हूं कि आज के बाद अब सीधे अगले साल हमको क्रिसमस पर दिखाई देंगे या हो कुछ नहीं करते, जो आता है श्रद्धा के साथ हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो आता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उसे स्वीकार करते हैं। आज हम आए चर्च के चर्च में आए हैं खास अवसर पर, आज क्रिसमस डे का दिन है और हम यहाँ चाहते हैं और बढ़िया कारनामा रहा यहाँ पर। ठीक है, पागल है एक मसला है जान के लिए।